गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमारे द्वारा उपयोगिता के प्रकार का अध्ययन किया गया था, जिसमें कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता दोनों की परिभाषा, सूत्र, तालिका, चित्र और दोनों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया गया था। अब हम अपने चैप्टर की हेडिंग, जिसका नाम ही उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, के पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने से पूर्व साम्य किसे कहते हैं, साम्य की स्थिति से क्या अभिप्राय होता है का अध्ययन करना आवश्यक है। साम्य वह स्थिति होती है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है या परिवर्तन की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। संतुलन की वह स्थिति जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसे साम्य या इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हमारे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता होता है, जिसके पास अपनी आय होती है और वह अपनी उस आय से बाजार की दी हुई वस्तुओं को, दी हुई कीमतों पर वस्तुओं को खरीदता है। उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उपभोक्ता दो वस्तुओं की उस सम्मिलित मात्रा या उस बंडल को प्राप्त कर चुका है जिसमें, जिससे उसे सर्वाधिक संतुष्टि की प्राप्ति हुई है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, उपभोक्ता के द्वारा अपनी दी हुई आय और बाजार की दी हुई कीमतों के आधार पर दो वस्तुओं के उस बंडल का चयन कर लिया जाए जो उसे सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। यह स्थिति ही उपभोक्ता के संतुलन की कहलाती है। अब हमारे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन के मापन का अध्ययन किया जाएगा, मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके दो मेथड होते हैं। पहले मेथड को गणनावाचक विश्लेषण या उपयोगिता विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। और दूसरा उपभोक्ता के संतुलन के मापन का मेथड जो होता है, उसे क्रमवाचक तटस्थता वक्र विश्लेषण कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गणनावाचक या उपयोगिता विश्लेषण होता है, इसके प्रमुख अर्थशास्त्रियों में मार्शल और फिगू इनका नाम लिया जाता है, जबकि क्रमवाचक विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनमें एलन, हेक्स आदि का नाम लिया जाता है। गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता को अंकों में मापा जा सकता है। किसकी सहायता से? मुद्रा की सहायता से इसे अंकों में मापा जा सकता है। जबकि क्रमवाचक विश्लेषण में अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह माना गया है कि उपयोगिता मनोवैज्ञानिक अवधारणा होती है, जिसके कारण इसे अंकों में नहीं मापा जा सकता है। कहते हैं कि मुद्रा की सहायता से इसे अंकों में मापा जा सकता है, तो मुद्रा का खुद का मूल्य ही मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति में परिवर्तनशील होता है। तो ऐसी स्थिति में उसके सहायता से उपयोगिता को अंक नहीं प्रदान किए जा सकते हैं। गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता को मापने की इकाई यूटिल्स, मैंने आपको बताया था उपयोगिता को यूटिल्स में मापते हैं, यूटिल्स होती है। जबकि यहाँ पर, मतलब क्रमवाचक विश्लेषण में, उपयोगिता को मापने में क्रम प्रदान किए जाते हैं। मापने में क्रम मतलब रैंक प्रदान की जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये 5 फ्लावर रखे हुए हैं, परंतु ये जो पिंक कलर का फ्लावर है ये बहुत सुंदर है, सेकंड नंबर पे मैं येलो कलर वाले फ्लावर को रैंक प्रदान करूँगी, थर्ड नंबर पे इसको प्रदान करूँगी। ये जो रैंक प्रदान की जाती है, ये क्रमवाचक विश्लेषण के अंतर्गत आती है। फिर हमारे द्वारा जब हम गणनावाचक विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन का मापन करते हैं, तो हमारे सामने दो स्थितियाँ आती हैं। पहली स्थिति एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन के अध्ययन से संबंधित होती है, और दूसरी स्थिति दो वस्तुओं के संदर्भ में
उपभोक्ता के संतुलन के संबंधित होती है। हम इन दोनों ही स्थितियों, ये जो दो वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन है, इसको भी दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे दोनों वस्तुओं की कीमत समान हो, समान से मतलब दोनों वस्तुएं इक्वल प्राइस में हो। पहली वस्तु भी 2 रुपये में आती है या 5 रुपये में आती है प्रति इकाई, और दूसरी वस्तु भी 2 रुपये या 5 रुपये में प्रति इकाई आती है। और दूसरी कंडीशन बोलेंगे उपभोक्ता के संतुलन की, जब दोनों ही वस्तुओं की कीमतें असमान हो जाएं, असमान से मतलब अलग अलग हो जाएं। जैसे पहली वस्तु 2 रुपये में आ रही है तो दूसरी वस्तु 5 रुपये में आ रही हो, अलग अलग कीमतें हों, तो उस समय उपभोक्ता का संतुलन किस तरह से किया जाएगा। ये जो क्रमवाचक विश्लेषण है या तटस्था वक्र विश्लेषण है, इसके अंतर्गत हमें तटस्था वक्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तटस्था वक्र किसे कहते हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा, बजट रेखा का अध्ययन करना पड़ेगा। बजट रेखा जो जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है, उससे कैसे, उसकी परिभाषा क्या है, उसका समीकरण क्या है, उसकी मतलब यूज़ किस तरह से करते हैं इस क्रमवाचक विश्लेषण में, उपभोक्ता के संतुलन में, ये सब अध्ययन इसके अंतर्गत आएगा। और फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक उपभोक्ता का संतुलन क्रमवाचक विश्लेषण में या तटस्था वक्र विश्लेषण में आएगा। आज के लिए आपका इतना, थैंक यू। आया।